एवरीवन, वेलकम टू बी यूनिक। माय नेम इज रूपम एंड टुडे इन दिस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इजी, सिंपल, अट्रैक्टिव एंड लॉन्ग लास्टिंग मेकअप लुक, जो कि मैंने क्रिएट किया है बस 3 मिनट में। गाइस, रक्षाबंधन आने वाले हैं और इसका वेट हम सारी बहनें बहुत बेसब्री से करती हैं, और इस फेस्टिवल पे हमें थोड़ा अट्रैक्टिव एंड ईजी मेकअप करना तो बनता है। और आप सोच रहे होंगे कि हमें किस तरह का मेकअप करना चाहिए, तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और ये वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस तरह का मेकअप करना चाहिए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं, एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आपने कर लिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और अगर नहीं किया है तो अब भी कर लो, जो किया बिल्कुल फ्री, और हिट कर लो बेल आइकन को, जिससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। सो लेट्स चेक द वीडियो। तो मेकअप स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ गुड वाइब्स का कैडरवुड अपलिफ्टिंग फेस मिस्ट, और इसे अपने पूरे फेस पे अच्छे से स्प्रे कर लूँगी। देन उसके बाद अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ गुड वाइब्स का आर्गन फेसियल ऑयल विथ गोल्ड लिप्स, और ड्रॉपर की हेल्प से 2-3 ड्रॉप लेके अपने पूरे फेस पे इसे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। मुझे गुड वाइब्स का सारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा प्रोडक्ट गुड वाइब्स का ही यूज़ करती हूँ। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ लैक्मी एब्सोल्यूट ब्लर परफेक्ट मेकअप प्राइमर, और इसकी थोड़ी इसी क्वांटिटी लेकर मैं अपने पूरे फेस और नेक पे इसे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। मैं अपने हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि प्राइमर हमारे फेस के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक तो ये हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है और कोई भी क्रीम के इफेक्ट को होने से बचाता है। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे ले लूँ लैक्मी एब्सोल्यूट 9 to 5 फाउंडेशन, और इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे पूरे फेस पर अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ये डबल कवरेज देता है, इसे लगाने के बाद आपको कंसीलर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं ये मेरे डार्क सर्कल को कितने अच्छे से हाइड कर दिया है। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे ले लूँ NYVA का ब्राउन आईब्रो पेंसिल, और अपने दोनों आईब्रो को इसे अच्छे से फिल कर लूँगी। और उसके बाद अब रियू स्टे कॉर्के का लिक्विड आईलाइनर, और मुझे ये आईलाइनर बहुत ज़्यादा पसंद है, ये लॉन्ग लास्टिंग और स्मज प्रूफ है। एंड मैंने इस वीडियो में जितने भी प्रोडक्ट यूज़ किया सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चाहो तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। एंड आज की वीडियो सिंपल वीडियो, इसलिए मैं आई मेकअप में बस आईलाइनर और काजल ही लगाऊँगी, और इसी तरह से दोनों आईज़ पे इसे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ लैक्मी आइकॉनिक काजल, और अपने वाटर लाइन पे इसे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी इस तरह से, और इसी तरह से दोनों आईज़ पे इसे अच्छे से लगा लूँगी। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ मैवलिन न्यूयॉर्क का फेस पाउडर, अपने फेस को इससे अच्छे से सेट कर लूँगी इस तरह से, फेस को और नेक को भी अच्छे से सेट कर लूँगी। तो मेरा फेस अच्छे से सेट हो चुका है। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ NYVA का लिप बाम, ये बहुत ही अच्छा है, इसे लगाने के बाद बहुत ही अच्छा फील होता है। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ लैक्मी 9 to 5 का प्राइमर प्लस मैट लिपस्टिक, और इसे मैं अपने लिप पे अच्छे से लगा लूँगी इस तरह से, ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है और मुझे ये लिपस्टिक बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर एलोवेरा विथ विटामिन ई, और इसे स्प्रे करके अपने मेकअप को अच्छे से फिक्स कर लूँगी, ये बहुत ही अच्छा मेकअप फिक्सर है। मेरा ये सिंपल रक्षाबंधन मेकअप लुक कंप्लीट होता है, और आई होप कि आपके लिए वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा होगा। तो मेरी ये मेकअप लुक आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। यार, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ, आपको बस लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करके मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करना है, सो प्लीज़ सपोर्ट मी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।